WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ है वो आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, कहती है कि रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब की आप ताकत का अंदाजा कीजिए। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त कहां पर पहुंच चुके हैं और कितने बड़े स्टेज पर खड़े हैं। मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो एक विश्व गुरु की फैन तरह की फैन लीडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 20 बिग इकोनॉमीज, 20-25 बड़ी इकोनॉमीज को इंडिया ने एक जगह पर इकट्ठ कर दिया, तो ये होती है ताकत। और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ पहुंच चुका है इंडिया, भारत कहाँ पहुंच चुका है। वहां पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत दूसरी दफा आई है, वहाँ की आवाम ने नरेंद्र मोदी को दूसरी दफा इलेक्ट किया। क्या वजह है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। गुजरात में तो जो उन्होंने किया वो बहुत कम लोगों को पता है जब वो चीफ मिनिस्टर थे वहां, लेकिन कश्मीर में जो कुछ किया वो तो पूरी दुनिया देख रही है। कैसे डेवलपमेंट हुई, पीस आया, हर चीज हुई। अभी G20 हुई है, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो साइन हुए हैं। सर पाकिस्तान आना किसी ने भी प्रेफर नहीं किया, साथ ही मुल्क था, अगर उधर आए थे तो यहाँ से भी होते हुए चले जाते। हम बेगर है ना, हम उनसे मांग रहे हैं। बेगर्स कैंट बी ट्रीटेड। यहाँ सड़क पे एक बंदा भीख मांग रहा होगा ना, आप उसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे। जब हम लाइक अमेरिका में जाते हैं तो हमारे शाहिद खान अब्बासी के कपड़े तक उतरवा दिए गए थे। ये तो हमारा ट्रस्ट का लेवल है दुनिया में। हम लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। यार दुश्मन नहीं है इंडिया हमारा, हमारा दुश्मन हम खुद हैं। इंडिया ने 75 सालों में पाकिस्तान पे कितने हमले किए हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 की हिस्सा बनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की डायरेक्टर जनरल नगोजी इकोंजो इलेवा पीएम मोदी की मुरीद होती हुई नजर आई। पहले उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, फिर उन्होंने पीएम मोदी से उनके ऊपर लिखी गई मोदी 2.0 मीट डिलीवर किताब की एक कॉपी पर पीएम मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। इसी पर आज की पाक मीडिया की परचर्चा आइए सुनते हैं। रिसेंटली G20 की मीटिंग बड़ी कामयाब गुजरी है और जो मुआहदे हो रहे हैं वो भी हम सबके सामने आ रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फैन फॉलोइंग से रिलेटेड सर एक खबर है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ है वो आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, कहती है कि रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी किताब में ऑटोग्राफ अपना देकर उनको दे देती है और वो बड़ी खुश होती हैं सर। तो यही सवाल मेरा आपसे है कि बड़े WTO कोई छोटा इदारा नहीं है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसकी चीफ ना सिर्फ ये पहली एग्जाम्पल है बल्कि इससे पहले भी जो बाइडेन ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, तो ये जो राइजिंग मोदी फैन फॉलोइंग है उसके बारे में सर आप क्या बोलेंगे? देखें, फैन फॉलोइंग तो आपकी भी है, फैन फॉलोइंग तो मेरी भी है, ठीक है ना। तो फैन फॉलोइंग जो है वो तो होती है, लेकिन कुछ ऐसी फैन फॉलोइंग होती है, ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग होती है। मिसाल के तौर पर मेरी फैन फॉलोइंग जो है उसका ताल्लुक POJ कैसे है, या इस बात से है कि ये शख्स जो है ये बोलता है इंडिया के हक में, ठीक है ना। आपकी फैन फॉलोइंग अपनी है कि भई ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के लोगों के सामने रखती हैं जो बड़े दिलचस्प होते हैं, और आपका अंदाज बयान भी बड़ा खूबसूरत है तो उसको भी लोग पसंद करते हैं। मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो एक विश्व गुरु की फैन तरह की फैन लीडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कम तारीख में ऐसे वाकयात होते हैं कि जहाँ ऐसा लीडर हालात पैदा कर देता है कि जो इतिहास रचा जाते हैं, हिस्ट्री लिख जाते हैं। और मोदी जी जो है ये वही उन्होंने किया है। और मतलब है जैसे महात्मा गांधी थे, ठीक है ना, जैसे श्री चंद्र सुभाष बोस थे, तो इस तरह के जो लोग हैं ये तारीख में बहुत कम पैदा होते हैं। नेहरू जो थे उस तरह के लोग तो पैदा होते रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के भी जो है वो लोग पैदा होते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया को एक विजन दे के जाए, जो दुनिया में एक नया दुनिया को नजदीक लाने का बायस बने, जैसे G20 की आपने बात की तो वन अर्थ वन जो है फैमिली वन फ्यूचर, राइट। और फिर उन्होंने हर दफा यही G20 के मीटिंग में कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट को दूर किया जाए, बैठ के बात करो, मसाइल को बैठ के सुलझाया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देखिए, एक तरफ अमेरिका
का प्रेसिडेंट बैठा है तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस बैठा है, तो क्या मैसेज जा रहा है दुनिया? फिर आप देखें कि G20 को G21 बना दिया उन्होंने, अफ्रीकन यूनियन को साथ ले आए। फिर आप देखें कि कैसे जयशंकर जी को भेजा के जाके इज्जत से लेके आओ, उनको बिठाया, उनका झंडा लगाया, उनका आगे नेम लगाया। तो अफ्रीकन यूनियन को लाने से 55 मुल्क अफ्रीका के जो है वो शामिल हो गए, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों को गुरबत से निकाला है, हम अफ्रीका को भी गुरबत से निकालेंगे। तो जाहिर ये सारी चीजें, फिर उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल है, और फिर गुजरात में तो जो उन्होंने किया वो बहुत कम लोगों को पता है जब वो चीफ मिनिस्टर थे वहां, लेकिन कश्मीर में जो कुछ किया वो तो पूरी दुनिया देख रही है, कैसे डेवलपमेंट हुई, पीस आया, हर चीज हुई। हालांकि पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान, वो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे जब तक 370 बहाल नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन नीचे से आवाम आप कह रही है कि जाओ, तुम जाओ भाड़ में, हम तो इंडिया के साथ जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, लोग तिरंगे उठाना शुरू हो गए गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है ना। तो जाहिर है कि इतना बड़ा उनका ऑरा बन चुका है, तो वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन जो है वो बने आज है, कल वो चेंज हो जाएगी, कोई और आ जाएगा, वो तो एक जॉब है। लेकिन ये जो मोदी जी का है ये जॉब नहीं है, ये एक मिशन है, बड़ा फर्क है। MBS मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज़ जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया। तो हुआ क्या, हुआ ये कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए, बड़ा शोर हंगामा था यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। तो वो तो हमने सुना था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आएंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, वो तो अरबों डॉलर्स लेकर आ रहे। लेकिन अरबों डॉलर्स तो दूर की बात, MBS ने पाकिस्तान आने से ही इनकार कर दिया, यानी पाकिस्तान वो नहीं आए और वो सीधा G20 में पहुँचे, और G20 में उनका बहुत ही पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आप जानते हैं, देखा आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब को गले लगाया। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि डजन्स ऑफ MOU साइन हुए हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच, और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़े स्टैंस जाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए, इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है, इंडिया के लिए ये बनता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है,